द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एसओ टू सी ओ टू पी सी एल थ्री एंड एसओ थ्री आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर. हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना है इन गैसेस का. अगेन रेट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के. हम देख सकते हैं जिस भी गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम. सो वी हैव एसओ टू सी ओ टू पी सी एल थ्री प्लस, सॉरी प्लस क्या, पी सी एल थ्री एंड एसओ थ्री. फोर गैसेज आर गिवन, ठीक है. अब एसओ टू का मोलर मास कितना होता है, 64. सी ओ टू इज 44, एसओ थ्री इज 80. पी सी एल थ्री कितना हो जाएगा, क्लोरीन इज 35.5, तीन क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है. सो 106.5 एंड 31, सो 137.5 इतना ही होगा अप्रॉक्सीमेटली. सो अब हमें दिख रहा है किसका मोलर मास मैक्सिमम है, पी सी एल थ्री. तो इसका जो रेट है, इसकी रेट ऑफ फ्यूजन सबसे कम हो जाएगी. नेक्स्ट एसओ थ्री की, क्योंकि इसका मोलर मास ज़्यादा है इन दो के कंपैरिजन में. उसके बाद एसओ टू की, एंड देन फाइनली रेट ऑफ फ्यूजन मैक्सिमम किसकी होगी, सीओ टू की, बिकॉज इन चारों में से मिनिमम मोलर मास किसका है, सीओ टू का. तो सीओ टू सबसे ज़्यादा, देन पी सी एल थ्री सबसे कम, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. ओके.